बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर राजस्थान के जालौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इस बार नए चेहरे पर दांव खेला है। यहां 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटा गया है। इनके स्थान पर सिरोही जिले के वाडेली निवासी किसान लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया गया है। लुम्बाराम चौधरी शुरू से ही बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। सिरोही पंचायत समिति के 1 बार प्रधान, जिला परिषद सदस्य और 2 बार सिरोही बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में लुम्बाराम ने सिरोही से टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट नहीं दी थी। अब लुम्बाराम को जालौर संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने सरप्राइज किया है। बता दें, राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार में राज्य के किसानों को इसराइल भेजा गया। जालौर सिरोही क्षेत्र से 2 किसान भी इसराइल भेजे गए थे। इनमें से 1 किसान लुम्बाराम चौधरी भी थे। इन किसानों को बूंद बूंद और फव्वारा पद्धति से खेती के गुर सीख कर किसानों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भेजा था। इसके बाद से ही लुम्बाराम चौधरी पार्टी में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए। साल 2015 के जिला परिषद के चुनाव में इनके बेटे कानाराम चौधरी को सिरोही जिला परिषद में उप प्रमुख बनाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।